जो है एक आम आदमी के इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है। बजट आएगा, यकीन नए टैक्सेस लगेंगे, महंगाई और बढ़ेगी। और सबसे बड़ा तो ये एतराफ़ जो कि इसहाक डार साहब ने कर दिया है कि जब हुकूमत मिली तो GDP की ग्रोथ 6% थी, लेकिन रवा माली साल मौशी तरक्की की जो शरह है वो 0.29% रही। कितना बड़ा एतराफ़ है और मतलब अपनी नाकामी का मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। देखिए, बजट तो जब आएगा तो जो चीखें निकलेंगी और जो कुछ होगा वो तो बात की बात है ना, लेकिन ये इकोनॉमिक सर्वे जो पिछले एक साल की परफॉर्मेंस है इनकी, उसको देख के मैं तो सकते में हूँ। अच्छा, ईमानदारी की बात ये है कि वो जो PTI की हुकूमत दावा करती थी, चाहे असद उमर साहब थे चाहे खुद इमरान खान साहब थे, वो कहते थे हमारी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर थी, वो तो इन्होंने सब कुछ मान लिया कि हाँ बिल्कुल वो हमसे बहुत बेहतर थे। हालाँकि हालात उस वक्त भी बहुत डिसाइल या बहुत हक में नहीं थे पाकिस्तान के, प्रेशर भी था, कीमतें भी बढ़ी हुई थी, सारा कुछ था, पेट्रोल भी महंगा था, ये सब कुछ था, लेकिन उसके बावजूद उनकी परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू दिस इकोनॉमिक सर्वे जो हमें इसहाक डार साहब पेश कर रहे हैं उसके मुताबिक उनकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर थी। और इस वक्त कोई एक शोबा ऐसा नहीं है जहां पर हमने बेहतरी दिखाई हो, यानी एक भी एलिमेंट मुझे इस पूरी, मैंने देखा है सारी, वो तकरीर भी सुनी मैंने उनकी, जो लोग ये एतराज़ करते थे कि हुकूमत को जल्दी क्या थी PDM को हुकूमत लेने की, वो तनकीद अब हमें जायज़ करार समझ में आ रही है कि वो बिल्कुल ठीक थी। कि अगर आप ये समझते थे कि इकॉनमी बड़ी तबाहकुन हालात में है तो फिर आपको क्या तकलीफ थी ये चलता हुआ तीर अपने सीने पे लेने की। सही बात। एनीवे, आपने उस पर बड़े नारे मारे, किसी ने हमें कहा कि जी मुफ्ता इस्माइल साहब जो है वो इस मर्ज का इलाज है, फिर हमें बताया गया नहीं जी कि इसहाक डार साहब है, उनके पास एक मैजिक वैंड है, वो बस छड़ी हिलाएंगे जादू की और सारा कुछ ठीक हो जाएगा। फिर हमने उनका इंतजार करना शुरू कर दिया, फिर वो कुछ अरसे के बाद केस वेस खत्म हुए तो जब उनके लिए राह बनी वो आए, तो शुरू में मैंने देखा कि उनका रवैया जो है वो IMF की तरफ भी काफी टफ था। अगर आपको याद हो उन्होंने कहा था कि अगर IMF हमारी बात ना माने और मुश्किलात हमारी में इजाफा करता रहा तो हम इसको खुदा हाफिज कहेंगे कि जन्नत में जाएं जी, हम खुद ही कर लेंगे। लेकिन अब कुछ पिछले चंद हफ्तों से हम जो उनकी गुफ्तगू सुन रहे हैं उसमें यह है कि जी अगर IMF का ये मुआहदा नहीं भी होता तो हमें अगला 3 साल के लिए करने के लिए फौरी तौर पे नए प्रोग्राम में जाना पड़ेगा, यानी 9वां चाहे होवे या ना होवे, 10वां हासिल जरूर करना है। तो ये है नवीद। इस बार मैं तफसील में जाऊँ अगर, तो जिस भी शिक को मैं या जिस भी मद को मैं हाथ लगा रहा हूँ उसी में करंट है, उसी में सूरत हाल। जैसा कि आपने कहा कि हम मान रहे हैं कि पिछली हुकूमत के दौरान जो शरह नमू थी वो 6% थी और अब वो माइनस में चली गई है। हम तो पहले गाली देते थे PTI को कि जी वो 5.8 पे छोड़ के गए थे और उन्होंने -1 कर दी, याद है आपको? तो ये क्रिटिसिज्म आपकी परफॉर्मेंस तो उनसे बदतर है। तो अब ये क्या बनेगा? अब दिस इज द ब्लेम दैट कीप्स चेंजिंग। ये जो ब्लेम गेम है ना, कप ऑफ ब्लेम, दो रास्ते हैं। अगर तो इस परफॉर्मेंस को लेके मैं तवक्को लगाऊं कि जी बजट को बहुत पॉजिटिव और बहुत कोई आवाम दोस्त होने जा रहा है तो मैं तो पीछे हट रहा हूँ। अच्छा, नहीं तो नहीं कह सकते, पहले हाथ खड़े कर रहे हैं। हाँ, मैं हाथ खड़े कर रहा हूँ इसलिए कि ये मुश्किलात जिनका इजहार वो इकोनॉमिक सर्वे में कर रहे हैं ये हमें इशारा कर रही है कि बजट के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन मुश्किल ये है कि ये इलेक्शन का साल है, अगर ये ऐसा बजट देंगे जो आवाम की चीखों की बजाय सिसकियां निकाल दे तो फिर वोट कहाँ से लेंगे? ये बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है हर हुकूमत के लिए, सिटिंग हुकूमत। और अगर आवाम को रिलीफ देना जा रहे हैं तो वो कहाँ से देंगे जो इस वक्त हालात? देखें, दो तीन हमारे शुबे ऐसे हैं जहाँ से अगर परफॉर्मेंस बेहतर हो तो तवक्को की जा सकती है कि शायद लोगों को रिलीफ मिलेगा। फॉर इंस्टेंस, मेन टैक्स नेट, आपकी टैक्स कलेक्शन का लेवल क्या है जो यहाँ तो बहुत ही पुअर है। दूसरा, फॉरन रिमिटेंसेस, ठीक, आपको पता है बहुत बड़ा वो सेक्टर है जहाँ से फॉरेन एक्सचेंज में पैसे आते हैं, ठीक है, अगर मैं सही समझ रहा हूँ यहाँ तो उसके अंदर भी कमी हुई है, ठीक है। और अगर टैक्स नेट भी नहीं बढ़ता है, जिसकी कि बहुत ज्यादा तवक्को कर रहे हैं इसहाक डार साहब कि हम कम टैक्स लगाएंगे, वैसे वो किस बुनियाद के ऊपर कर रहे हैं? उनका ख्याल ये है कि कम टैक्स लगाओ
ज्यादा लोगों से लो। अभी तो फिलहाल हम जो मुल्क के हालात देख रहे हैं, अदम एतमाद की एक फिजा है। यकीनन जब इस तरह की फिजा होती है तो लोग टैक्स देने में उस तरह से दिलचस्पी नहीं रखते। फिर फॉरेन रेमिटेंस की अगर बात की जाए तो यकीनन अब इससे कौन इंकार कर सकता है कि जो है पीटीआई की एक बड़ी फॉलोअर्स बड़ी तादाद में जो है वो बाहर रहते हैं। मुल्क के जो हालात हैं यकीनन आपने कहा कि उसमें भी कमी आई है, तो आसार तो कुछ अच्छे नजर नहीं आ रहे। देखें आसार तो अच्छे खैर नहीं है, आपने ठीक कहा है, लेकिन इसमें आप सारा ब्लेम हुकूमत पर नहीं डाल सकते। आपको याद है कि चाहे वो खान साहब के यानी पार्टी के स्टॉलवर्ट्स थे या खुद खान साहब थे, ये कहा गया बाहर के रहने वाले लोगों को कि आप पैसे ना भेजें, पैसे रोक दें, IMF को खत लिखा गया इनको कर्जा ना दें। तो नेगेटिविटी तो बहुत थी, उसका भी अपना एक इम्पैक्ट है। सो यू कांट पुट द होल ब्लेम ऑन द गवर्नमेंट, बट गवर्नमेंट ये बहाना बना के अपनी जिम्मेदारी से उदाबरा नहीं हो सकती कि नहीं जी ये हमारे साथ हो गया। नहीं, कोई सवाल ही पैदा नहीं। आप हुकूमत में, आपने जवाब देना है लोगों को, आपने एक ऐसा बजट देना है जो उनकी मुश्किलात में किसी न किसी तरह से कमी का बायस बने। अगर ना हुआ तो तगड़े हो जाए। सूरत-ए-हाल का बेनिफिशियरी कौन है? देखिए अगले इलेक्शन में ऑब्वियसली अगर ये परफॉर्म नहीं कर सकेंगे तो फिर किसको मिलेगा इसका? देखिए पहले तो हमारा ख्याल ये था कि अगर PTI अपनी असली शक्ल में मौजूद रहती तो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होती PTI। सही, लेकिन उनकी मत मारी गई जो उन्होंने 9 मई कर दिया, उसके बाद से फिर अब PTI जो है उसका क्या हाल हुआ वो आपके सामने है। कि मेरा ख्याल है कि अब खान साहब जो हैं वो गिनती के चंद लोगों के साथ बैठ के आपस में गपशप कर लिया करेंगे। वो जो रौनकें दिखाई देते थे आपको जमान पार्क में और बनी गला में, वो तो अब नहीं है, क्योंकि वो जितने उनके रौनकिए थे ना वो सारे तो बैठे हैं किसी और गोद में जाके। उसके ऊपर भी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं इशारा आपको दे रहा हूँ ये कि अगर ये हालात इसी तरह मुश्किल में इजाफा करते रहे हुकूमत की तो बेनिफिशरी PTI हो सकती थी। अच्छा, हो सकती थी। अब सूरत हाल ये है कि जो PTI और जो नून लीग और पीपल्स पार्टी हैं वो तो हुकूमत में इश्तराक में एक दूसरे के। सही है, तो बेनिफिशियरी कौन होगा? तीसरी बड़ी पार्टी कौन सी है? वो JUI तो नहीं हो सकती, जमात इस्लामी तो नहीं हो सकती, और नई पार्टी भी नहीं हो सकती। क्योंकि इसलिए है कि नई पार्टी आज तश्कील पा के 3 महीने के बाद इलेक्शन जो है वो उसको स्वीप नहीं कर सकती। ये याद रखें आप, ये बात दुरुस्त है। मैंने कहा ना कि हम उसकी पार्टी की बात बाद में कर लेंगे, पहले इस तरफ आ जाएं। देखिए जी, 2-3-4 शोबों की बात जो है वो करना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि वो ये कहते हैं कि जी जुलाई तक मार्च महंगाई की शरह जो है वो 29% तक रिकॉर्ड हुई है, जो कि पिछली हुकूमत के वक्त में 11-12% थी। आप बताएं मुझे कितने जाइए, गरीब आदमी जो है वो तो मारा गया ना जी। आगे चलिए जनाब, वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा काबिल जिक्र कमी जो है वो सनअती शोबे का है कि 2.94% सकड़ाओ था, यानी सुकीज कर रही थी, जो कि 7.1% तरक्की के हदब के मुकाबले में था। यहाँ भी परफॉर्मेंस पैड़ी है। जुलाई 2022 से मई 2023 तक के 11 महीने के अरसे में 28.2% महंगाई रिकॉर्ड की गई, जो कि गुज़श्ता साल सिर्फ 11% थी। आप देखें ना, मैंने कहा ना जिस लाइन को मैं हाथ लगा रहा हूँ उसमें करंट है, करंट लग रहा है, तो आप दूर रहें जरा उससे। और अगर ये करंट जो है इसका, इस देखें 2-3 रास्ते हैं। IMF का आपको पैकेज मिल जाता है, थोड़ा रिलीफ आएगा। आपके दोस्त मालिक जो है वो आउटराइटली आपकी मदद करते हैं, जिसका जिक्र किया है उन्होंने आज की अपनी वीडियो में भी कहा है कि अगर हमें IMF नहीं मिलता तो फिर हम अपने दोस्तों की तरफ जाएंगे, फिर हम कमर कस लेंगे, और कमर कस के, यस कमर कस के अपने हालात को खुद बेहतर करने की कोशिश करेंगे, जो कि लगता नहीं है कि इतना आसान काम है। कहना शायद आसान है, सही है, बट इजियर सेड देन डन। सही है, ठीक है, अच्छा एक और कन्फेशन है बुखारी साहब, हुकूमत का एक्सपोर्ट्स रेमिटेंस और बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में भी कमी का एतराफ है। देखिए हुआ क्या है, हुआ क्या है, हमने ये गैप कम थोड़ा इस तरह किया है कि हमने अपनी इम्पोर्ट्स जो हैं उनको ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है। उसके नुकसान ये हुआ कि ना आपका रॉ मटेरियल आ रहा है ना आपकी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं। सही है, ठीक है, और वो गैप आपका कम हो गया क्योंकि आपके पास डॉलर आ तो रहे हैं, जैसी कैसी भी आपकी एक्सपोर्ट है, खर्च कुछ नहीं हो रहे। ठीक है, ठीक है, लेकिन जहां हुकूमत बुरी तरह से नाकाम हुई है वो है डॉलर की ब्रेन ड्रेन, यानी जो डॉलर बाहर गया है यहां से, खरीद खरीद के बैंकों ने भी खरीदा रज के अपने क्रेडिट कार्ड्स के लिए, और यहां से बाहर भी गया है सरमाया, उसने काफी सूरत हाल जो है वो गंभीर कर दी है। लेकिन फिर खान साहब जो इसहाकदार साहब है उनकी गुफ्तगू में मुझे कहीं वो मेयर्स दिखाई नहीं देते कि वो कैसे इसको रोकेंगे। हाउ विल द ब्लॉक के पैसा बाहर ना जाए, और हाउ विल द मेक श्योर कि आपकी मिलें भी चले, आपका इंपोर्ट भी हो, और आप एक्सपोर्ट को अपने फोकस होना चाहिए था
कि इम्पोर्ट कम करने की बजाय आप अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएं, दैट्स द ओनली वे कि आपके पास फॉरेन एक्सचेंज एनफ आएगी। अब जो एक उम्मीद पैदा हो चली है वो ये कि एक जो नए ब्लॉक की बात हम सुन रहे हैं उसमें चूंकि लोकल करेंसीज में कारोबार होगा, आप तवज्जो से सुने मेरी बात, ठीक है, तो शायद हमें डॉलर उतना नहीं चाहिए होगा, हम उतने मजबूर नहीं होंगे। और दूसरी बात, इम्पॉर्टेंट, अगर जिस तरीके से सऊदी अरब से बात हम सुन रहे हैं कि ये पेट्रो डॉलर का कॉन्सेप्ट जो है इसको खत्म करने की बात हो रही है, अभी तो ये है ना कि तेल सिर्फ डॉलर में बिकेगा, सही है, ठीक है, जब ये डीलिंक कर देंगे इससे तो जो अमरीकी डॉलर का हशर होगा वो तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। अच्छा। लेकिन ये कि पेट्रोल की कीमतें कम होंगी, लोग अपनी करेंसियों में वो ऑयल खरीद सकेंगे, तसव्वुर कर रही हैं आप इस बात का, तब भी आपको फॉरेन एक्सचेंज कम चाहिए होगी, ठीक है। हम जो कर्जे लेते हैं ना ये भी बुनियादी तौर पर हम अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है उसमें इजाफे के लिए लेते हैं, जो हमारी रिमिटेंसेज आती हैं वो भी हमारे फॉरेन रिजर्व के लिए आती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मुश्किल वक्त है, टफ चैलेंजेस हैं। IMF नहीं होता तो क्या होगा, IMF होता है आया तो क्या बेनिफिट मिलेगा, ये मेरे ख्याल से ज्यादा इंतजार की जरूरत नहीं है। 24 घंटे बाकी हैं, कल सब कुछ सामने आ जाएगा, कल बिल्कुल सब कुछ सामने आ जाएगा। कल एक ऐसा दिन है कि जब बजट पेश होने वाला है और यकीनन बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो खुलकर सामने आ जाएंगी। बड़ा मुश्किल वक्त है, ज़्यादा कोई हाई होप्स नहीं हो सकती बजट से, क्योंकि हुकूमत अगर देना भी चाहे, क्योंकि मेरा ख्याल है इस वक्त वो पूरी कोशिश कर रहे होंगे देने की कि किसी ना किसी तरीके से आवाम को रिलीफ दिया जाए। इलेक्शन का साल है, उन्होंने भी जवाब देना है, उन्होंने वोट लेना है, लेकिन उनके पास भी कहाँ से दें। पॉजिटिव है वो ये है, प्राइम मिनिस्टर ने भी उसका जिक्र किया, इसहाक डार ने भी उसका जिक्र किया कि जहां तक कंडीशनलिटीज का ताल्लुक है IMF की, वो हमने सारी पूरी कर दी है, ठीक है, अब वो ना दें तो वो और बात है, तो वो ठीक है।